हैदराबाद से कानपुर की ओर एक ट्रक में बकरे की खाल और उसके अवशेषों के नीचे गोमांस छुपाकर ले जाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें ट्रक चालक सहित दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हैदराबाद से कानपुर की ओर जा रहे ट्रक में पुलिस चेकिंग के दौरान गोमांस निकला। बकरे की खाल और उसके अवशेषों के नीचे गोमांस दबा कर ले जाया जा रहा था। बीती रात हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है और MP गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानवरों से अलग हुआ नहीं है वो। कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य नागरिक वहाँ पे कल्याण मंडपम के पास कुछ एक हैदराबाद से आने वाली गाड़ी को रोके हैं और सूचना पे पुलिस वहाँ पहुँच करके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ में उस गाड़ी को ओरछा रोड पर शिफ्ट किया और वहाँ पर उसकी जाँच की गई। बकरों के खाल और अवशेष और कुछ जो पाड़े हैं, पाड़े के खाल और अवशेष, उसके साथ में कुछ गोवंश के कान वगैरह मिले हैं। वो रिकवर करने के बाद में दो व्यक्ति जो लेके आ रहे थे, एक अब्दुल और दूसरा आरिफ, ट्रक को जब्त करने के बाद उसमें जो भी अवशेष है उसको जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध FIR की गई है। अभी विवेचना मामला है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।